एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। काल के आगे प्राणी तुच्छ चीटी समान है, शिष्यों मानव काल चक्र से बंधा हुआ है, किंतु ऋषि मुनि इस काल के बंधन से मुक्त हैं, परे हैं। उस समय काल से कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो 100 वर्ष पूर्व भी जा सकते हैं और 200 वर्ष पश्चात भी पहुंच सकते हैं। शिष्यों, एक्सक्यूज मी, कैसा है? इधर से बांद्रा जाने का बस कहां से मिलेगा? अपन का कोई मिस्टेक हुआ क्या? अपन तो खाली बांद्रा जाने के लिए बस के बारे में पूछ रहा था। अरे शिशु, क्यों भाग रहे हैं यार? अरे सुनो, रेड पड़ा क्या? अरे मुझे भी, अरे मुझे भी तो ले चलो। अरे मैं तो चल भी नहीं सकता। लगता है बिना परमिशन के स्पीच दे रहा था। अरे मुझे ले चलो, उठा लो मुझे, उठा लो ले चलो। अरे उधर रे, उधर रे, इधर 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 ले चलो। बाबा चीका भिकारी का। अरे सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो चीका? अरे चीका पीका रीका, इनामीना डीका, चीका पीका रीका। मैं बोला ना इनामीना डीका। क्या बम मारा यार, काम का भगा दिया बेचारों को यार। अरे तुच्छ प्राणी है, भोले हैं, नादान हैं, मेरी महानता को नहीं समझते, लेकिन समझेंगे, सब समझेंगे। ये देखो मेरा नया आविष्कार। इसके प्रयोग से मनुष्य एक स्थान पर खड़े खड़े दूर किसी दूसरे मनुष्य के साथ बात कर सकता है। बताता, पकड़ो, अभी बताता हूँ। चीका पिकारी का, चीका पिकारी का। हाँ? अरे कान में लगाओ, कान में। कान में लगाओ? हाँ। हेलो जॉन, किधर है तुम? मारिया डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ लेकिन इधर फंस गया हूँ यार। इधर ऑटो बस ट्रेन कुछ नहीं मिल रहा है, लगता है इधर स्ट्राइक होगा। लेकिन तू फिक्र मत कर डार्लिंग, मैं तुम्हारे पास पैदल चल के आ जाऊंगा। ओके, पर तुम है किधर? मैं किधर हूँ यार? ए चिका पिका, हम लोग किधर है? छानपुरा। अरे पूरा छान मारा पता नहीं चला, इसलिए पूछ रहा हूँ किधर है। छानपुरा। छान? अरे कुछ छानपुरा खानपुरा बोल रहे हैं। हाँ लेकिन मैं आ रहा हूँ। साला इधर नेटवर्क गया यार। आपने इस जगह का नाम क्या बताया? ये कौन सा यंत्र है? ये मोबाइल है, लेकिन आपने इस जगह का नाम क्या बताया? छानपुरा। छानपुरा? अब तुम ये बताओ, क्या इस यंत्र से दूर ध्वनि सुनाई देती है, वो भी बेतारा? ये कौन सा छानपुरा है? ये महाराज बबूशा का छानपुरा है। क्या फेंकता है यार? हा? वो 10वीं सदी का राजा था, ये तो 21वीं सदी है। ये 10वीं सदी है। ये बताओ, ये यंत्र किसका आविष्कार है? अरे यंत्र मंत्र छोड़ ना, सच बताइए कौन सी जगह है? अरे बोला ना, ये 10वीं सदी के राजा बबूशा की रियासत है छानपुरा। अरे नहीं, राजा बबूशा की रियासत में तो इतना बड़ा दरवाजा था और वहां तो चलो चलो, अरे नहीं तोड़ दो। हाँ। उन तीनों को हम छोड़ेगा? हाँ, नहीं छोड़े। हाँ, मारा साले को। चलो सीधा एकदम घुस जाओ अंदर। अरे रुक जाइए भलाराम जी, रुक जाइए। ये कौन है रे? ओए कानून है? जुर्म मुजरिम के बीच में हमेशा कानून होता है। अगर आपने एक भी इंच आगे बढ़ने की कोशिश की तो अच्छी बात नहीं होगी, ये कानून की आवाज है। अरे हमको कानून की धौंस देता है तेरी तो? मत जा। हमको कानून से डराता है? हमारी नजर में कानून उस सांप की भांति है जो टकरिया में बंद है, केवल फुनकार सकता है, डस नहीं सकता, समझा? लेकिन आपने इस राष्ट्रीय धरोहर को खत्म करने की कोशिश करके उसी पिटारी में हाथ डाल दिया है। इस जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। हमको गिरफ्तार करता है? और क्या, तुम जानता है हम कौन हूँ? शुरू भाषण। हम कौन हूँ? हम इस मोहल्ला का, इस राज्य का, इस देश का नेता हूँ। नेता कभी जुर्म नहीं कर सकता है, कानून जुर्म कर सकता है। अरे नेता तो
इंसाफ का देवता होता है, कानून उसका गुलाम होता है। नेता कानून को हथकड़ी लगा सकता है, मगर कानून नेता को कभी हथकड़ी नहीं लगा सकता है। ये आए लगा दिया। भाई साहब क्या हो रहा है? दो जासूसों का महारथियों के साथ द्वंद युद्ध। मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, WWF। मतलब? मतलब वही। बंदियों को लाया जाए। अबे आराम से। जीत गया ना अभी क्या? अबे अरे क्या पागल हो गया क्या? इससे कौन लड़ेगा? छोड़ राजा। अरे अबे छोड़ राजा क्या? अबे उड़ जा। अबे मार दिया। शाबाश गेंडे। शाबाश यार विकी, तुझे तो कराटे आती है यार, मैं सांड का क्या करूं? चिंदी चोर, दो तीन और हैं तो उनको भी भेज दे। महाराज, इन जासूसों को छोड़ना उचित नहीं होगा। छानपुरा रियासत के किसी भी शत्रु को क्षमा नहीं किया जाता, इसलिए हमने निर्णय लिया है इन दोनों के सर
धड़ से अलग कर दिए जाए। देखी ये चिल्ली चोर हमारा सर सचमुच में तो धड़ से अलग नहीं करवाएगा ना। पागल है क्या, ये 21वीं सदी है यार, अगर उसको हमको मारने होगा तो गोली से मारेगा ना सर। क्यों चल ये 10वीं सदी है, तुम दोनों का तो सचमुच में